आप सभी प्रिय दर्शकों को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी चैनल। साथियों, आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं हमारे धनितर जड़ी बूटी विद्या के बारे में। आज हम इस बिहार जंगल में आए हुए हैं और इस जंगल में हम जड़ी बूटी की खुदाई कर रहे हैं। आज हमारे लोग, कई लोग कहते हैं कि आयुर्वेद, आयुर्वेद के नाम से बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो खनन हो रहा है वो उसको हम बोलते हैं सुवा टोटी, सुवा टोटी बोलते हैं। ये जो उखाड़ रहे हैं वो बेला को, वो जो बेला नहीं होता, छोटा सा पौधा होता है, बड़ा पौधा भी नहीं होता, जमीन से लिपटा हुआ रहता है, और उसको उखाड़ने पर सीधे एक मूलाकार में उसका जड़ रहता है, जिस प्रकार से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। देखो, उसको खींच करके निकाल जाता है। साथियों, इस सुवा टोटी का उपयोग अधिकतर गला में टांसिल है या फिर पेट दर्द के लिए, सूखा पेट या फिर पेट में कृमि है उसके लिए इसका अधिकतर उपयोग हमारे प्राचीन परंपरा से चली आ रही व्यवस्था में की जाती है, और इसलिए इसको सुवा टोटी कहा जाता है। गला की वजह से, गला में इसका वो होता है, टांसिल वगैरह हो जाता है या फिर गला में कोई प्रकार से घाव है, घेंगा है, कैंसर है, इस टाइप के उसमें ये गला के ही बीमारी के लिए इसका उपयोग होता है। ये उखाड़ रहे हैं, ये देखिए हमारे कार्यकर्ता साथियों इसको उखाड़ रहे हैं, वो अधिकतर बहुत नीचे तक जाया रहता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कहते हैं कि आयुर्वेद, अब उसका नाम जड़ी बूटी को आयुर्वेदिक कहा जाता है, किंतु यह अभ्रंश है, ये आयुर्वेदिक नहीं हो सकता। आज आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, वैदिक जो धर्म ग्रंथ है, उस आयुर्वेद में इसका लेखन हुआ है, जिसमें लेखन में जड़ी बूटी के बारे में और उनके उपयोग के बारे में, उनकी महत्व के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। इसलिए कोई भी जड़ी बूटी के बनाया हुआ चीज को आयुर्वेद या फिर आयुर्वेदिक बोल देते हैं तो ये गलत है। जड़ी बूटी इस समय आयुर्वेद का वैदिक धर्म ग्रंथ लिखा ही नहीं गया था, उससे पहले ही हमारे पूर्वज इन सब चीज के उपयोग को जानते थे। आज हमारे को किसी भी हमारे पुराने सियान लोग या बैगा बुनिया लोग कोई आयुर्वेद नहीं पढ़े हैं, कोई आयुर्वेद नहीं पढ़े हैं, किंतु वो जड़ी बूटी के उपयोग को जानते हैं। अब आप बताइए कि अगर वो आयुर्वेद से सीखे होते, आयुर्वेद वैदिक धर्म ग्रंथ से सीखे होते तो उसको पढ़े होते, और पढ़े होते तभी उसके बारे में सीखे होते। तो आज हमारे पूर्वज तो आयुर्वेद को पढ़ने की बहुत दूर की बात, जो बैगा बुनिया जो जानकारी है, जो जिसका उपयोग करते हैं या फिर हम भी परंपरा से जो चली आ रही उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हम तो आयुर्वेद को पढ़े नहीं हैं, हमारे पूर्वज भी पढ़े नहीं थे, न देखे नहीं थे। आज हम खैर पढ़ लिख लिए हैं, तो आयुर्वेद धर्म ग्रंथ को देखे हैं, पढ़े हैं, किंतु हमारे पूर्वज तो इसके बारे में नहीं जानते थे, और उसके बारे में नहीं जानते थे, उसको देखे ही नहीं थे, किंतु ये जड़ी बूटी के उपयोग के बारे में जानते थे, जड़ी बूटी की महत्व के जानते थे, उनकी कौन सी बीमारी में कैसा उपयोग किया जाता है इनको जानते थे। और इससे स्वाभाविक है, ये सिद्ध होता है कि हमारी परंपरा से चली आ रही परंपरागत शिक्षा को, परंपरागत जड़ी बूटी के ज्ञान को किसी ऋषि मुनि ने सुन करके या फिर उसको पूछ करके उन्होंने लिखा, एक ग्रंथ लिखा, उसको लिपिबद्ध किया, और उसी ग्रंथ का नाम आयुर्वेद है। तो इसलिए मैं आप लोगों को अधिकतर बोलते रहता हूँ कि इसको आयुर्वेदिक शब्द का उपयोग हमारे परंपरागत चली आ रही व्यवस्था में ना करिए। देखिए, आप देख रहे हैं इसे दशमूल बोलते हैं, दशमूल से सतावर भी बोल देते हैं कई लोग, ये दशमूल है, दशमूल है, हिंदी में सतावर। तो यह दशमूल का भी विभिन्न बीमारियों में काम आता है। यह भी जो उखाड़ रहा है इसको अमर जड़ी बोलते हैं, अमर जड़ी, जो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो है दशमूल का जो कंद,
ये बेला नुमा होता है और इसका पत्ती भी छोटे छोटे कटीले, ये देखिए किस प्रकार से धनिया पत्ती जैसा इस कटीले टाइप का होता है, ये बेला रूप में रहता है, ज़्यादा बड़ा बेला नहीं होता है। इसका भी उपयोग हम अपने जीवन में परंपरा से कई बीमारियों में करते हैं, जैसे कमजोरी, सुस्ती, खून की कमी, नपुंसकता या फिर श्वेत धात, सफ़ेद पानी, इस प्रकार से बीमारी में ये दशमूल का उपयोग हम लोग परंपरा से हमारे पूर्वज करते आए हैं। अब आप देख रहे हैं दूसरा ये जो खंड है ये अमर जड़ी है, जिसको अमर बूटी भी बोलते हैं। यह जो अमर बूटी जो है एक प्रकार से बहुत बड़ी औषधि है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं और अधिकतर करते थे। यह जो जड़ी जो है ताप को शरीर में बनाए रखने के लिए या ताप को शरीर में बढ़ाने के लिए ये इसका उपयोग अधिकतर रूप से करते हैं। अगर किसी भी भाई को मूर्छावस्था में हो गया है, बेहोश हो गया है, तो उनको सुंघाने से या फिर उनके मस्तक में या फिर उनके सीने में उसके जड़ी को पीस करके रगड़ने से ही जो उनकी मूर्छा अवस्था, बेहोशी का जो अवस्था है, वह चेतना में परिवर्तित हो जाता है और वो ऐसा होने के वजह से ही इस जड़ी को अमर जड़ी कहते हैं, कि जो कि बेहोश हुए व्यक्ति को चेतना अवस्था में ला सकता है, जिसके वजह चेतना अवस्था में आ जाता है, वो आयुर्वेद को अमर जड़ी के नाम से जाना जाता है। अमर जड़ी इसका प्रचलित नाम है और क्षेत्रीय नाम उनके कई होंगे। ये एक बेला होता है, बड़ा बड़ा ऐसे बंगला पत्ती जैसा इसका पान होता है, बंगला पत्ती से बड़ा आकार में होता है, मोटा रहता है पान, और इसको उखाड़ने से ये देखिए ये जड़ी निकलता है इसका। और इसका उपयोग आपको तो बता दिया हूँ, तापमान के लिए ही होता है, शिथिल है या फिर श्वास है, जिसको मतलब ठंडी श्वास है तो उस ठंडी श्वास में भी इसका उपयोग उस रोगी के लिए किया जाता है। अगर उसको ठंडी श्वास है तो इसको पीस करके उसको पुराने गुड़ के साथ उसको खिलाइए, उसका श्वास का बीमारी, शरीर में तापमान कमी हो रहा है, शरीर में ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए इसका उपयोग अधिकतर करते हैं। साथियों, आप हम अधिकतर यही देखते आए हैं कि हमारे गुरुवाना में हमारे जो गंजी थे, जो बैगा बुनिया थे, उन्होंने हमारी जो जड़ी बूटी हैं, वन औषधि जिसको बोलते हैं, जिसको हम प्राय रूप से जड़ी बूटी कहते हैं, तो उस जड़ी बूटी का उपयोग हम अधिकतर अपने जीवन में करते हैं। पहले चिकित्सा के समय में और उस समय डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं था, तो अधिकतर इसी जड़ी बूटी, नाड़ी ज्ञान, झाड़ फूंक, इन सब चीज़ का उपयोग करके लोग अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रोगों से निजात पाते थे, उनसे छुटकारा पाते थे, और जिसका उपयोग आज भी चली आ रही है। आज जो भी मेडिसिन जो बना है वो सब इन्हीं की खोज के वजह से, इन्हीं की वजह से बना है, इसी को छीन के लेंगे अपना हक।